दोस्तों आज का वीडियो इस पंप को लेकर है। ये पंप कितना तेजी से पानी फेंक सकता है और उसके बाद बताएंगे कि ये पंप को जो है कैसे बनाया गया है। ठीक है, तो अब देखिए इसका पावर जो है बहुत ही ज़्यादा है। आप खुद ही देख लीजिए कितना तेज़ी से पानी को फेंकता है। हाय फ्रेंड्स, तो इस पंप का आप लोग प्रेशर वगैरह तो देख ही चुके हैं और पानी फेंकने का क्षमता भी आप लोग देख चुके हैं कि कितना ये तेजी से पानी को फेंक सकता है। ठीक है, लेकिन अब सवाल उठता है कि ये बनाए कैसे या किस चीज से बनाया गया है। ठीक है, हालांकि मैं इसे तो YouTube चैनल को स्टार्ट करने से पहले ही मैंने इसको बनाया था, तो अभी ये कैसे आपको बनाकर दिखा सकता हूँ। तो इसे आपको बनाकर तो नहीं दिखा सकता, लेकिन मैं इसे आपको खोल करके जरूर दिखाऊंगा। तो चलिए इसे खोलते हैं और खोलकर देखते हैं क्या क्या चीज इसमें है और कैसे आप इसे बना सकते हैं। आइए इसे खोलते हैं। इससे पहले बता दूं, ये एक डीसी मोटर है जिसका नाम है 557। ठीक है, ये आपको Amazon से या कोई नजदीकी इलेक्ट्रॉनिक स्टोर से जो है खरीदने को मिलेगा। ठीक है, और इस मोटर को आप कोई भी 12 वोल्ट एडाप्टर या फिर बैटरी से भी चला सकते हैं। 12 वोल्ट बैटरी से ये चलेगा। ठीक है, और ये पंप जो है आपको बहुत ही काम में आएगा, या आपको गाड़ी वगैरह धोने के काम में आएगा, या फिर एक्वेरियम में काम में आएगा, या आप इससे वाटरफॉल वगैरह भी बना सकते हैं। तो आप इसे बना सकते हैं बहुत ही इजी तरीके से, और इसे बनाना बहुत ही इजी है। ठीक है, चलिए अब इसे खोलते हैं। यहाँ पर हार्ड ग्लू लगा हुआ है, तो हमें इसे थोड़ा काटना पड़ेगा। तो अब जो है हम इसे काट चुके हैं और अब इसको खोलते हैं, खोलकर देखते हैं इसके अंदर क्या है। ठीक है, ये देखिए खुल गया। तो हालांकि ये बहुत दिन पुराना हो चुका है, इसलिए इसके अंदर थोड़ा जंग वगैरह पड़ गया है, क्योंकि ये टीन का है तो जंग पड़ना जंग तो पड़ेगा ही। ठीक है, ये रहा इसका फैन सेट, मैं आपको दिखाता हूँ नजदीक से थोड़ा। तो ये रहा इसका फैन सेट। मतलब फैन सेट में कुछ नहीं है, क्या किया गया, ये एक प्लास्टिक का खाप दिया गया था जिसके अंदर है, जिसके अंदर आपको ऐसे ऐसे ये आपको दिख रहा होगा, ऐसा अंदर में जो घाट है ना, ये इस तरह का घाट है और ऐसे ऐसे तरह का लगाया हुआ। ये रहा फैन सेट, ये डायरेक्टली मोटर के साथ कनेक्टेड है और इधर मोटर का हिस्सा पूरा अंदर घुसा दिया है, तो लीकेज वगैरह का चांस नहीं है। और इससे ग्लू देके इधर भी ग्लू देके जो है चिपका दिया है इधर भी। ठीक है, पूरा सील है। और ये रहा और आधा सेट। ठीक है, तो इसको बनाना इजी है। मैंने ये जो है मार्कर पेन लिया था। आप चाहे तो कोई पाइप का इस्तेमाल भी इससे कर सकते हैं। और ये थोड़ा इधर निकला हुआ है, अब देख सकते हैं इधर निकला हुआ है, क्योंकि ये फैन सेट जो है इसके अंदर इसके साइज के कटा हुआ है। ठीक है,
पाइप के हिसाब से ये कटा हुआ है, ये डायरेक्टली पाइप में ऐसे फिट होता है, ठीक है। और पानी निकलने के लिए ये है आउटलेट, आउटलेट साइड का एक दो हाफ हाफ ऐसे बना सकते हैं। ये हम सिरिंज लिए हैं, आप चाहे तो कोई भी पाइप ले सकते हैं, और ये एक प्लास्टिक का खाप है, ठीक है, तो आप इसे इजीली बना सकते हैं। बस इसे एयर टाइट रखिएगा तो लीकेज का कोई चांस नहीं, अगर एयर टाइट रहेगा तो बहुत ही बढ़िया से जो है आपका वाटर फ्लो करेगा। बस यही सिंपल से चीज़ करना है, और ये फैन सेट में कुछ नहीं है, बस इजी है। तो आपने देख लिया ये कैसे बहुत ही इजी चीज़ है, आप इसे घर में बनाइए और इंजॉय कीजिए। तो वीडियो को अगर अच्छा लगा है तो इसे शेयर जरूर करिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं, ताकि हमारे हर एक न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंच सके। डुबा डुबा डुबा।